बच्चों, आज हम 8th क्लास का सोशल साइंस सेकंड चैप्टर देखेंगे, हमारे आसपास क्या। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है जिसमें बताया है, धोनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं वह ज़मीन किस तरह बनी होगी। तो यह प्रश्न वो अपनी माँ से पूछता है। माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य देखता है ना, इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार का एक सदस्य मानी जाती है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूलन तापमान, हवा, पानी मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के साथ, या ये कह सकते उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। यह गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। आग कैसी होती है? एकदम गर्म। तो उस हिसाब से बताया गया है कि सूर्य पृथ्वी, जो सूर्य है तो सूर्य में से पृथ्वी अलग हुई है और सूर्य एकदम तेजस्वी है आग की तरह। तो कहा गया है, तो पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तो वह एक गोले के समान थी, आग के गोले के समान थी जो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हुए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। जो दो ठोस चीज़ है उसे हम बताया है मृदावरण, और जो द्रव स्वरूप है यानी पानी वाला, इसलिए उसे कहेंगे द्रव स्वरूप को जो रूपांतरित हुआ है उसे हम जलावरण के रूप में जानेंगे, और जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरित हुआ है उसे हम वातावरण के रूप में पहचाना गया है। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और सांस यानी श्वास लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ है जिसे हम जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। तो इस तरह पृथ्वी के चार आवरण अस्तित्व में आए हुए गए हैं। तो पहला हमें बताना है मृदावरण, दूसरा जलावरण, तीसरा वातावरण और चौथा जीवावरण। तो जीवावरण पृथ्वी पर बताया गया है जिसमें कठोर स्तर यानी जमीन भी है, पानी भी है, सांस लेने के लिए वातावरण भी है। इसलिए इसी कारण से पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ है जिसे जीवावरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो ये ड्राइंग दी हुई है, ठीक है, इस ड्राइंग में वातावरण, तो ये वातावरण ही ऊपर गैस जीवावरण के अंदर, देखो ये जो राउंड लिया है जीवावरण में, देखिए ऊपर वातावरण भी आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए पर्वत, नदी, भूमि, ठीक है, इस तरह से मृदावरण सब कुछ आया हुआ है, इसलिए इसे हम जीवावरण कहेंगे, जिसमें वातावरण, मृदावरण, जलावरण सभी कुछ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बताएंगे। अब हम जानेंगे सबसे पहले मृदावरण के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है मृदावरण। तो मृदावरण के बारे में जानना है कि हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। तो हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है। मृद अर्थ होता है मिट्टी और आवरण का अर्थ होता है सतह या परत। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों से बना हुआ है जिसके कारण हम इसे घनावरण और शिलावरण के रूप में भी जानते हैं। शिलावरण का मतलब वही होता है शिला यानी पत्थर। तो इस तरह से कहते हैं मिट्टी और चट्टानों से और ठोस पदार्थों से बना, इसलिए हम घनावरण और शिलावरण के रूप में इसे जानेंगे। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भाग जो है वो भूभाग को रोकता है। यह सतह लगभग 64 से 100 किमी जितनी मोटी बताई गई है
और यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे द्रवों की बनी हुई है। हमें बताना है कि जो मृदावरण का भूभाग है उस पर छोटे छोटे पर्वत, पहाड़ी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं, और सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें तापमान की वृद्धि भी होती जाएगी। भूगर्भ के पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई जो चट्टान है उसे हम मैग्मा या भूरस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक तरह से कि मैग्मा या भूरस किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टान के जो पिघले हुए स्वरूप हैं उसे भूरस या मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने से ऊपर की तरफ क्या करती है, दबाव बनाकर निकलने का प्रयत्न करती है। मतलब जो अंदर बहुत सारी गैसें वो गैसें गर्म हैं और गर्म गैसें हैं वो ऊपर आने के लिए दबाव डालती है, बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। परंतु ऊपर आई हुई जो चट्टान है वो उतना ही अधिक दबाव होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर से चट्टानों का दबाव है और नीचे से जो है वो गर्म जो गैसें हैं वो दबाव डालती हैं। तो इस प्रकार से गर्मी और इस तरह से जो गर्मी दबाव जैसे बल हैं वो एक दूसरे को संतुलित बनाए रखते हैं, और दोनों एक दूसरे से संतुलित बनाए रखते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी टिकी हुई है, और इसकी वजह से पृथ्वी की जो सतह है वो फटती नहीं है। तो जहाँ पर ये संतुलन नहीं बन पाता है वहाँ ये सतह फूटती है। तो जहाँ ये संतुलन जैसे नीचे से बताया गया कि नीचे से गैस ऊपर की तरफ दबाव डालती है, उसी प्रकार से जो चट्टान है वो ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डालता है। तो जहाँ ये संतुलन व्यवस्थित नहीं बैठता है वहाँ पर ही जो पृथ्वी की सतह है वो फटती है, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मृदावरण के बारे में हमने जाना, तो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है मृदावरण। तो हम जानते हैं कि मृदावरण नहीं होता तो मकान कैसे होते हैं, मकान किस पर बनाए जाते हैं, पानी का जो मतलब पीने का पानी या भोजन के लिए या खेती उद्योग धंधा आवश्यक जो खनिज हैं जंगल हैं ये मृदावरण के बिना असंभव हैं। क्यों? क्योंकि अगर मृदावरण यानी कि पृथ्वी पर जो सतह ही नहीं होगी, मृदावरण यानी जमीन ही नहीं होगी, तो हम मकान किस पर बनाएंगे, हम खेती किस पर करेंगे, हम उद्योग कैसे करेंगे, हमें खनिज कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि मृदावरण के बिना ये संभव नहीं है। तो आज हमने अपने मृदावरण के बारे में जो बात की उसके आधार पर मृदावरण में किस किस का समावेश होता है उसके संबंधित हम चित्र बना के काम करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा जलावरण। तो जलावरण में आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह का जो नीचे वाला भाग है जो पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम जलावरण कहेंगे। तो पृथ्वी की सतह यानी नीचे का जो भाग है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, जिसे हम जलावरण के रूप में पहचानते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का जो भाग है वो अधिक बताया गया है, जिसमें जलावरण लगभग 31% जितना भाग को रोका हुआ है। तो ये बताना है हमको कि जलावरण जो है वो लगभग 31% भाग को रोका हुआ है, जिसके अंदर जलावरण के विशाल जल भंडार बताएंगे। तो जल भंडार अर्थात क्या होता है, महासागर। जैसे हमने हमारे भारत का चित्र देखा हुआ है ना, उसके देखो तीनों ओर जो महासागर हैं तो उसे हम जल भंडार कहेंगे, यानी जिसमें बहुत सारा जल हो ऐसा जल भंडार, जिसे महासागर के नाम से जानते हैं, जिसमें अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर ये सारे सागर हैं, प्रशांत महासागर, इस प्रकार से सागर बताए गए हैं, और सभी सागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूमि विस्तार के पास हुए स्थानीय जल विस्तार यानी कि जो समुद्र सागर है उपसागर खाड़ी या जल यानी डमरू मध्य के भाग से पहचाने जाते हैं, और पृथ्वी पर जो महासागर जो खूब विशाल महासागर और गहरे महासागर आए हुए हैं, जिसमें अभी हाल हमने बताया प्रशांत अटलांटिक हिंद और आर्कटिक सागर ये खूब महान विशाल सागर बताए गए हैं,
कहीं कहीं पर 10 से 11 किमी जितनी खाइयां भी आई हुई हैं। महासागर की सतह पर पृथ्वी की सतह के ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश और खाइयां भी बताई गई हैं। तो फिर बच्चा पूछता है कि माँ इन समुद्र में कितना पानी होगा और वह तो खारा नमकीन होता है, तो वह हमें किस प्रकार उपयोगी है। ये एक बच्चे का क्वेश्चन होता है कि जो समुद्र में पानी है तो उसमें कितना पानी होगा, और समुद्र का पानी तो हमेशा कैसा होता है, खारा, तो वह हमें किस प्रकार उपयोगी बन सकता है। तो उसका जवाब मिलता है कि पृथ्वी पर जितना पानी है, तो ये हमारे लिए है कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97 यानी 97% जितना पानी है वो समुद्र में आया हुआ है। तो यानी 100% में से बताना है 97% पानी जो है वो समुद्र में आया हुआ है, बाकी जो शेष बचा पानी वो अपने ध्रुवों तथा हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों और पत्थर उसके बर्फ़ के रूप में बताया गया है। इसके अलावा बताया है कुछ शेष पानी है जो भाग सरोवर, कुछ नदियों में, तो कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है, यानी जमीन के अंदर जिसे भूगर्भ कहते हैं उसमें संग्रहित है, और जो पीने लायक पानी है वो बहुत ही कम बताया गया। तो पीने लायक पानी बहुत ही कम बताया, ये मीठे पानी की जलावरण की भेंट है, यानी हमारे लिए हम जो पानी पीते हैं उसे मीठा पानी कहेंगे। तो ये एक जलावरण की भेंट है, हमें गिफ्ट रूप मिला है प्रकृति से। सजीवों को जीवित रहने के लिए मीठा पानी अत्यंत आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार जो है वो वर्षा, तो वर्षा के लिए बाप से समुद्रों में से आती है। समुद्र में से जैसा हमें पता है कि जो वर्षा है वो किस पर आधारित है, समुद्र, यानी समुद्र की जो ये बाप से वो समुद्र में से आती है जिससे वर्षा होती है, और समुद्र में से मूलवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ ये सब हमें प्राप्त होती हैं। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है उसी प्रकार समुद्र में भी जीव सृष्टि आई हुई है। जिस तरह से पृथ्वी पर हम मनुष्य रहते हैं, पशु प्राणी रहते हैं, इसी प्रकार से समुद्र में भी जीव सृष्टि है, उसके अंदर भी बहुत सारे जीव हैं। और महासागरों की लहरें, प्रभाव और ज्वार भाटा में रही हुई जो प्रचंड शक्ति है उसका संग्रह करके विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा जो पानी है वो जलमार्ग के रूप में भी उपयोगी बताया गया है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा वातावरण। तो वातावरण में बताया है कि पृथ्वी के जो चारों तरफ आवरण है उसे हम वातावरण कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ कौन कौन से आवरण है, या हवा, पानी, ये सब जो है, गैस वगैरह, ठीक है, जो जलावरण है, मृदावरण, इस प्रकार से जो आवरण बताए गए हैं, तो ये सब कहेंगे कि पृथ्वी के जो चारों तरफ हवा का आवरण है, हवा का आवरण बताना है उसे वातावरण कहेंगे। हवा का आवरण अर्थात चारों ओर गैसें हैं हमारे, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किमी तक फैला हुआ है। वह मृदावरण जो जलावरण की सतह इन आँखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, हम गैस को देख सकते हैं नहीं, हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जलावरण की तरह इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। मृदावरण को देख सकते हैं, जलावरण को देख सकते हैं, पर वातावरण यानी एक गैस होती है इसलिए हम इसे आँखों से नहीं देख सकते। वातावरण में विविध प्रकार की गैसें होती हैं, पानी की बाप्स है, धूल के रजकण हैं, क्षार कण हैं, फिर सूक्ष्म जंतु भी इसमें मिले हुए होते हैं। वातावरण जो रंगहीन, स्वादहीन और सुगंधित रहते हैं, जिसे हम लोगों को खुशबू से पता चलता है ना कौन सी खुशबू है, तो किसके द्वारा होती है, वातावरण की वजह से हम खुशबू को पहचान सकते हैं। उसमें ठोस द्रव और गैस द्रवों का भी तत्वों का समावेश होता है। इसमें लगभग बताया गया है कि 78% जितना नाइट्रोजन, 31% जितना ऑक्सीजन और 1% जितनी इसमें अन्य गैसें पाई गई हैं। पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं वैसे वातावरण अधिकांश गैसों का प्रमाण कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होने से हवा निम्न स्तर में वह अधिक प्रमाण में है, और ऊपर जाने पर वह क्या होती है, कम होती जाती है।
जिसमें ओजोन गैस बताई गई, तो ओजोन गैस के बारे में पता है कि ओजोन गैस जो है वो हवा में खूब कम प्रमाण में है। ये जो गैस होती है, ये गैस हमें सूर्य की परावैगनी किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। अर्थात अगर ओजोन गैस नहीं होगी तो जो सूर्य की परावैगनी किरणें हैं वो हम पर सीधी पड़ेंगी, तो उससे हमें त्वचा का कैंसर भी होता है। तो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करती है ओजोन गैस। तो सूर्य की परावैगनी किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से कौन बचाता है? तो ओजोन गैस। यह गैस मुख्य रूप से खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे की हवा में अधिक प्रमाण में होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए रखती है। ऑक्सीजन के ज्वलनशीलता और नाइट्रोजन मंद करता है। वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी बताया गया है, जो गर्मी से बाप्स बन के पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाती है। तो हमें पता है बाप्स किस प्रकार बनती है, तो गर्मी से बाप्स जो है यानी पानी है वो बाप्स बन के हवा में भाप बनकर मिल जाता है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। बाप्स के जो जमने की क्रिया होती है उसे हम घनीभवन कहते हैं। तो ये भी शब्द आएगा, घनीभवन किसे कहा जाता है? तो बाप्स के जमने की जो क्रिया है वो घनीभवन कहलाती है। घनीभवन के कारण बरसात, ओस हिम, ओले आदि वर्षा बाप्स के स्वरूप बनते हैं। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, उसका रहने का निवास रूप, उसका रंग, आर्थिक प्रवृत्ति जो है वो आदि वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहा गया है किसी भी देश का जो मानव का जो भोजन है, उसका पहनने का तरीका है, उसका रहने का जो रूप रंग, ये सब उसके वातावरण पर भी आधारित होता है। वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को मिलते हैं। इन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैला हुआ दिखाई पड़ता है। तो हमें बताना है कि सूर्य प्रकाश फैला हुआ किस कारण दिखाई देता है? तो वातावरण में जो अनेक रजकण होते हैं, उन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैला हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा भी नहीं होता। फिर बताया गया रजकण। तो रजकण द्वारा प्रकाश की जो किरणें हैं वो किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती है और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये बताना है। इसके अलावा बताया गया कि जो ये हमारा वातावरण है, तो जो हम लोग आवाज़ सुन सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं या अन्य आवाज़ों को हम सुनते हैं, पहचानते हैं, वो भी एक वातावरण के माध्यम के कारण ही होता है। तो वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ को सुन सकते हैं, इसलिए रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण संभव हो सका है। तो ये सब किसके कारण हुआ है? तो वातावरण के कारण। फिर हम देखेंगे तीन आवरणों के कारण पृथ्वी ऊपर, चौथा आवरण बताया गया है जीवावरण का अस्तित्व। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको ड्राइंग दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जलावरण बताया गया है। ये देखिए जलावरण में, यहाँ पे ये तालाब के पास बैठे हुए पीने का ये जलावरण बताया गया है। जीवावरण जिसके अंदर ये मनुष्य है, पशु है। वातावरण, तो वातावरण में ये ऊपर का भाग बताया गया है, ठीक है। और ये देखो, ये पंखे की हवा ले रहा है आसपास। फिर यहाँ मृदावरण यानी वो खेती दिया हुआ है, यहाँ उद्योग वगैरह दिए हैं। तो इस प्रकार से ये चारों आवरण बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमें चैप्टर कंप्लीट करते हुए, फिर हम इसमें देखेंगे हमारे चैप्टर में लास्ट पॉइंट है हमारा जीवावरण का। तो जीवावरण में बताना है कि पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली है उसे हम जीवावरण कहेंगे। पृथ्वी पर जो जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। तो मतलब सौर परिवार में काफ़ी ग्रह हैं, उसमें से जो पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। पृथ्वी पर जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी,
और जीव जंतुओं का समावेश कर होता है। हम भोजन और दूसरे बहुत सी चीज वस्तुओं का जीवावरण में प्राप्त करते हैं, तो हमें यहाँ बताना है वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। रह सकते नहीं, क्योंकि हमारे अस्तित्व का निर्वाह आधार जीवावरण है। कि वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, प्राणी नहीं होंगे तो हमें दूध और भोजन वगैरह, जो प्राणियों से भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग प्राणियों से दूध हमें मिलता है, चमड़े की वस्तुएं मिलती हैं, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए वनस्पति और प्राणी दोनों हमारे जीवित मतलब इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर बताया गया जीवावरण को दो भागों में बांटा गया है, पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक क्या है? तो अजैविक जो घटक है उसमें हम लेंगे मृदावरण, जलावरण और वातावरण का अध्ययन किया जाता है अजैविक घटक में। जो मतलब कहने का मतलब जैविक और अजैविक, तो जैविक का अर्थ क्या है कि जो श्वास वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि वनस्पतियां हैं, प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो इन सभी का समावेश जैविक में होगा, और अजैविक में मृदावरण, जलावरण, वातावरण का समावेश किया जाता है। तो मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदूषित करे तो इन आवरणों को कुछ नुकसान होगा क्या? तो हाँ, हमें जैसे पता है ना कि मनुष्य जो कार्य करता है उससे हमारा पृथ्वी को किस प्रकार से प्रदूषित होती है। तो जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में आप देखेंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक चीज़ दिए, तो पर्यावरण के घटक दिए जिसमें प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में देखो पेड़ पौधे हैं, बादल है, यहाँ नदियाँ और वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे, जो वनस्पतियाँ हैं वो हैं। फिर मानव निर्मित, तो मानव निर्मित में फैक्ट्रियाँ हैं, सड़क है, किले वगैरह बनवाए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मानव दिए गए हैं, तो इस प्रकार से ये हमारे पर्यावरण के क्या हैं, घटक हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि जैविक अजैविक घटक कौन से हैं। तो जैविक घटक देखो ये सब जैविक घटक में आएंगे, ठीक है, और बाकी ये जो दिया है ये अजैविक घटक, सॉरी ये वनस्पतियां हैं ये जैविक घटक में आएंगी, और ये उद्योग वगैरह दिए हैं, सड़क वगैरह दिए, यानी मृदावरण है, और ये जो वातावरण है ये सब अजैविक घटक में आएगा। मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर प्रभाव, तो इस पर मानव की जो प्रवृत्तियां करता है उस पर आवरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो जानेंगे। तो मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ जाने अनजाने में करता है, खुद का विकास करने के लिए बहुत सारी प्रवृत्तियाँ जाने अनजाने में वो करता है, जिसके अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज, तो खनिज प्राप्त करने के लिए वो अधिक खनन करता है, अधिक यानी अधिक खुदाई करता है, जिसकी वजह से भूमिगत परमाणु परीक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई आवश्यक से अधिक पाताल कुआ तैयार करना जैसे प्रवृत्ति करने में मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि खनिज प्राप्त करने के लिए अथवा कुआ पाताल तैयार करने के लिए अधिक जो भूगर्भ है उसमें इन सब चीज़ों के लिए अधिक खुदाई करनी पड़ती है, और अधिक खुदाई करने के करने के लिए कई बार मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर शहरों और गाँव की अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा, तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब प्रदूषित होते हैं। तो शहरों में और गाँव में हमने देखा है कि जो कचरे वगैरह होते हैं वो हम लोग खुली नदियों में डाल देते हैं, जैसे औद्योगिक कचरा, तो औद्योगिक कचरे में जैसे कि जो रासायनिक तेल वगैरह निकलते हैं वो सबको क्या कर दिया जाता है, खुले तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का प्रदूषण होता है। इसके अलावा दिया है गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों का बर्फ़ पिघलने लगा है, जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे रासायनिक युक्त पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है। तो पानी के प्रदूषण होने के कारण से, जल का प्रदूषण होने के कारण समुद्र के जो जीव होते हैं उनका विनाश होता है, जो जलावरण के लिए भयजनक बताया गया है। फिर उद्योग और कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा जो दूषित हवा है वो वातावरण में मिलती है। तो ये जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, पावर स्टेशन है, वाहन है, इन सबका जो धुआं निकलता है, तो इन सबका जो धुआं है वो हवा के वातावरण में मिलता है,
जिसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता है और वाहनों के अधिक आने जाने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो गैसें होती हैं उसका प्रमाण अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो है ये वृक्षों और इसके अलावा वृक्षों को काटने से CO2 का प्रमाण भी बढ़ता है। CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ता है। तो इस तरह से वातावरण पर मानव प्रवृत्तियों का बहुत सारा प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। तो पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति में पोषण कड़ी प्रभावित होती है जो जीवावरण के लिए एक नुकसानप्रद बताई गई है। तो ये चैप्टर से हमें ये जानना है कि हमें हर चीज़ का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य ना करें मानव अपने विकास और उसके लिए जो कई जाने अनजाने जो प्रवृत्तियाँ करता है उसमें कई प्रकार से हमारे वातावरण को प्रदूषित होते हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वातावरण का प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए।